स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बल का प्रभाव, यानी बल का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले एक क्लास और हुआ था इसमें, जिसके बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना है, तब जाके ये ठीक से समझ में आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि बल का प्रभाव क्या होता है, यानी बल किस तरह का प्रभाव डालता है वस्तुओं पर। तो बल का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है कि बल किसी भी वस्तु को, यानी जो वस्तु विराम में उसको गति में ला सकता है। बल विराम में, बल बल जो है वो विराम में स्थित वस्तु को क्या कर सकता है, गति में ला सकता है। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर वस्तु है और ये विराम में है, रुका हुआ, विराम का मतलब रुका हुआ है। तो इसमें जैसे ही हम बल लगाएंगे, तो अगर इसमें बल लगाएंगे तो ये क्या होता है, चलने लगता है, यानी गति में आ जाता है। बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये चलने लगेगा, गति में आ जाता है। तो बल किसी वस्तु को विराम से क्या करता है, गति में, यानी जैसे हम धक्का देंगे तो ये चलने लगता है। तो बल किसी वस्तु को क्या करता है, विराम से गति में ला सकता है, यानी विराम से, यानी रुके हुए वस्तु को गति में ला सकता है, उसे चला सकता है। दूसरा प्रभाव क्या होता है, तो दूसरा प्रभाव ये होता है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलते हुए वस्तु को रोक सकता है, यानी अगर कोई वस्तु गति में है तो उसे विराम में ला सकता है। ठीक उसका उल्टा बात है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसे चला सकता है, और अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसे क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि क्रिकेट में खिलाड़ी क्या होता है कि जब गेंद आ रही होती है तो वो चलते हुए आ रही होती है, और उसको क्या करता है, जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है उसे अपने हाथों से बल लगा के रोक देता है, समझे। इसी तरह से आपका कोई दोस्त अगर साइकिल से जा रहा है और अगर आप साइकिल के पीछे के हिस्से को अगर पकड़ के कस के अगर खींच लें तो उसका साइकिल क्या होता है, रुक जाता है। तो यानी चलते हुए चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बल लगा करके रोक सकते हैं, और रुके हुए चीज़ों को आप बल लगा के क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, दो प्रभाव हो गया। तीसरा प्रभाव ये होता है बल का कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो आप बल लगा करके उसकी चाल को और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी उसकी चाल को आप बदल सकते हैं। कोई चीज चल रही है, जैसे एक आपका कोई साथी अगर साइकिल चला रहा है तो आप क्या करेंगे, पीछे से अगर उसको तेजी से धक्का दे दें तो वो जितने चाल से चल रहा होगा, जितना उसका स्पीड होगा, वो उसका स्पीड क्या होगा, अचानक बढ़ जाएगा। या फिर कोई आदमी, कोई दोस्त आपका जा रहा है, पीछे से अगर आप धक्का दे दें तो वो जितनी तेजी से जा रहा होता है उसकी तेजी में क्या होता है, बढ़ जाता है उसका तेजी, यानी उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यानी हम लोग किसी भी वस्तु की चाल को बल लगा करके बदल सकते हैं, यानी उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर कोई साइकिल चला रहा है बहुत तेजी से और पीछे से हम बल लगाएंगे तो उसका स्पीड पहले तो कम हो जाएगा, यानी उसका चाल कम हो जाएगा, ज्यादा अगर बल लगा देंगे तो रुक ही जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा प्रभाव बल का यह है कि बल लगा करके किसी भी वस्तु की चाल को बदला जा सकता है, यानी उसके चाल को, उसकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर उसको घटाया भी जा सकता है। इसके बाद अगला प्रभाव बल का क्या होता है, तो अगला प्रभाव बल का ये होता है कि बल किसी वस्तु, यानी चलते हुए वस्तु की दिशा को बदल सकता है। बल के कारण हम लोग, यानी बल लगा करके वस्तु के चलने की दिशा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल के मैच में जो फुटबॉल का खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, अपने पैरों से बल लगा करके फुटबॉल को हमेशा क्या करता है, उसकी दिशा को हमेशा बदलते रहता है, कभी इधर मोड़ दिया, कभी इधर मोड़ दिया, और चकमा देकर के ले जाके क्या करता है, गोल कर देता है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां फुटबॉल का खिलाड़ी क्या करता है, वो अपने पैरों से बल लगा करके वो बॉल की दिशा को, बॉल के चलने की दिशा को बदल देता है, और बदल बदल के वो क्या करता है, दूसरे खिलाड़ी को चकमा देता है, उसको छकाता है, और फिर ले जाकर के क्या करता है, गोल कर देता है। तो बल लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के चलने की दिशा को बदल सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रभाव ये होता है कि बल लगा करके हम लोग किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं। बल लगा के किसी भी वस्तु के आकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे यही चीज है तो ये इस तरह का आकार में है, लेकिन बल लगा के हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो बल के कारण ऐसा हो गया, बल के कारण ऐसा हो गया, समझे। इसी तरह से इसको इधर से भी मोड़ सकते हैं, ये बल के कारण इसका आकार क्या हो गया, बदल गया, पहले ही ऐसे था, बल लगा के ऐसे हो गया। तो बल लगा के हम लोग किसी भी वस्तु के आकार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये है बल का प्रभाव, ये सब बल का निम्नलिखित प्रभाव है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न लिखेंगे, तो प्रश्न ये लिखा जाएगा कि बल, बल के प्रभाव को
बल के प्रभाव को लिखें, बल के प्रभाव को लिखें। तो उत्तर में लिखा आएगा बल का, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर उसके उत्तर में दिखाएगा कि बल का निम्नलिखित, बल का निम्नलिखित प्रभाव, बल का निम्नलिखित प्रभाव होता है। पहला लिखेंगे बल किसी वस्तु को, बल किसी वस्तु को, बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। दूसरा लिखेंगे बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला सकता है। तीसरा लिखेंगे, इसके बाद जो तीसरा है वो लिखाएगा कि बल किसी वस्तु के चाल को, बल किसी वस्तु के चाल को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के चाल को बदल सकता है। इसके बाद चौथा जो प्रभाव है बल का, वो ये दिखाएगा कि बल किसी वस्तु के गति, बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। और पचवां दिखाएगा कि बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। तो ये सारा प्रभाव हो गया किसका, बल का प्रभाव, यानी बल जब किसी वस्तु पर लगेगा तो इतना सारा प्रभाव वो ला सकता है। इनमें से कोई भी प्रभाव आ सकता है, या तो बल रुके हुए वस्तु को चला सकता है, चलते हुए वस्तु को रोक सकता है, और चलते हुए वस्तु की चाल को बदल सकता है, उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, और बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है, और आकार को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।